नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है। इसी के चलते मतदाता जागरूकता मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर के अटल बिहारी सभागार में एक शाम आपके नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नृत्य संगीत के माध्यम से ग्वालियर संभाग के मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि मतदान से पहले की अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और स्वीप कार्यक्रम के तहत एक शुभंकर का लोकार्पण भी किया गया। मतदाताओं के जागरूकता के लिए स्वीप अंतर्गत ग्वालियर जिला प्रशासन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उद्देश्य यह है कि मतदाताओं को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि वे मतदान दिवस पे मतदान केंद्र आके अपने मताधिकार का उपयोग करें। ग्वालियर के जो भी मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्र में आके मतदान करेंगे। जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनावों की घोषणा करेगा, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है और इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर इस बात पर नज़र रखते हैं कि किस प्रत्याशी के द्वारा या किस पार्टी के द्वारा कितनी राशि खर्च की जा रही है। उनके द्वारा जो प्रत्याशी होते हैं उनके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी जानकारी भी दी जाती है। प्रत्यक्ष से बैंक अकाउंट खोलते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अपनी जानकारी देते हैं और इसके अलावा अगर कोई शिकायत आती है तो फिर जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है या वीडियो सर्वेलेंस टीम है उसके माध्यम से भी देखा जाता है कि कौन से प्रत्याशी कितनी राशि खर्च कर रहे हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि शुभंकर के माध्यम से आम जनता को संदेश दिया गया है कि भारत कहां पर पहुंच चुका है, इसलिए आप भी मतदान केंद्र तक अवश्य पहुंचें। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मधुर संगीत और नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। जनसारथी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।